विवादित कार्टून और इस्लाम पर फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान पर भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध की आग अब दिल्ली तक आ पहुंची है। दिल्ली के जाफराबाद के एक मस्जिद में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली तक पहुंच गई अब फ्रांस के फसाद की आग। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक दिल्ली के जाफराबाद के जहाँ पर मस्जिद में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, और दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की जहाँ पर सड़कों पर इमैनुअल मैक्रोन के पोस्टर चिपका दिए गए हैं ताकि लोग आते जाते उन्हें पैरों से रौंद सके। विवादित पोस्टर सड़क पर दिखाए गए हैं, उन पोस्टर्स में जूते का निशान भी लगा हुआ है। हालांकि आपको बता दें, पुलिस ने साफ कह दिया है जिसने भी ये फोटो लगाए हैं उनकी तलाश की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में दिल्ली में भी कई जगहों पर फ्रांस राष्ट्रपति के पोस्टर लगाए गए हैं। इस समय हम जाफराबाद इंदिरा चौक के पास वाली मस्जिद में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के जो पोस्टर हैं जिसपे जूतों के निशान भी हैं, इस तरह के पोस्टर यहाँ सीढ़ियों पे लगाए गए। हमने यहाँ पे आसपास लोगों से पूछा तो ये पोस्टर किसने लगाए ये किसी ने नहीं देखा। कौन अपना यहाँ पर अपना इस तरह विरोध जता कर गया, इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। हमने यहाँ आसपास कई लोगों से बात की, कुछ इलाके के मुअज्जिज लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। हारून साहब, ये हम देख रहे हैं कि पोस्टर लगाए गए हैं फ्रांसी राष्ट्रपति के, तो ये किसने लगाए हैं, कोई जानकारी? ये तो मुझे जानकारी नहीं है किसने लगाए हैं या कब लगाए हैं, लेकिन ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोहम्मद साहब की शान में जो कहा, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो इनके पैगंबर साहब का अपमान हुआ उसको लेके इनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो बेहद दुखद है, लेकिन उसके विरोध में जो कत्लेआम और जो कत्ल हुए, जो हिंसक घटनाएं हुई, उससे भी वो सहमत नहीं है। और जो इस तरह के पोस्टर कौन लोग लगा रहे हैं इस बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये इस तरह के जो पोस्टर हैं इसको लेकर उनको कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ गलत कहा है तो उस पर यहाँ के लोग भी उसकी खिलाफत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। तो आपने देखा, हमारे रिपोर्टर जब सवाल कर रहे हैं तो लोगों को ये तक नहीं पता है कि वो विरोध फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा कौन सा बयान उन्होंने दिया है उसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक अंधी दौड़ है और उसमें सब दौड़ते जा रहे हैं और विरोध के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन लोगों को इस बात का भी इल्म नहीं है कि मस्जिद में पोस्टर तक अलाउ नहीं है, किसी का चेहरा अगर वहां पर लगा दिया तो उनकी नमाज तक नहीं होगी।